हेलो एवरीवन आई एम राहुल वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट अबाउट दी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द सेमेस्टर सिक्स एग्जामिनेशन तो कल जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का कॉस्टिंग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा बिकॉज पेपर काफ़ी ईजी था तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया आपका पेपर कैसे था और आज मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए जो आप कल यूज़ कर सकते हैं और उस बेस पे आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स करने के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है तो आप अच्छे रिलेटेड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज टिप्स भी देने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आ सकता है तो ये सभी पेपर पैटर्न आपके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव्स होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ सकते हैं यूजुअली मल्टीपल चॉइस आता है and uh, that will carry 10 marks 12 out of uh, uh, 10 you have to solve 12 diya jayega usme se 10 aapko solve karna hai similarly question number second bhi usi type pe aayega 12 falls diya jayega 12 falls mein uh, usually uh, reasons पूछा जाता hai, तो 10 solve करना है 10 सॉल्व करना है आपको 12 दिए जाएंगे तो यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स uh, अगर हम देखें तो 10 और 10 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स में होगा 15 मार्क्स में ए और बी डिवाइड हो सकता है ए और बी आएगा उसके ऑप्शन में भी दो आएगा ए और बी तो अकॉर्डिंगली दो दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बट uh, दो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हैं उसके रिलेटेड और दो क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे तो so, वो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंगली सो ए और बी आ सकता है और उसके ऑप्शन में फिर से ए और बी आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर टू मॉड्यूल नंबर वन से आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री मॉड्यूल नंबर टू से आएगा क्वेश्चन नंबर फोर मॉड्यूल नंबर थ्री से आएगा और क्वेश्चन नंबर फाइव मॉड्यूल नंबर फोर से आएगा और बाकी जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे वो सेम सारे मॉड्यूल्स में से आएंगे ना हम कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे जैसे वॉट इज एक्सपेक्टेड इन द थियोरी सब्जेक्ट्स तो थियोरी सब्जेक्ट्स में क्या एक्सपेक्टेड है uh, हम पूरे बुक में का जितना डिटेल्स है वो सब सब कुछ तो लिख नहीं पाएंगे तो अकॉर्डिंगली किस बेस पे आपको थियोरी सब्जेक्ट्स में एग्जामिनर आंसर एक्सपेक्ट करता है तो आंसर जो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर वो अप टू द पॉइंट एक्सपेक्ट करता है तो जितने भी आप रिलेटेड पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखे और एक्सप्लेनेशन थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखे तो चल जाएगा तो ऑलवेज बिगिन व्ययर आंसर विद द इंट्रोडक्शन तो हमेशा इंट्रोडक्शन को पहले लिखे और एंड करें आपको आपके आंसर को कंक्लूजन के साथ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये टेक्निक फॉलो नहीं करती है तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये मैंने खुद ने फॉलो की थी जब मैंने एग्जाम दिया था तो अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया फिर इंट्रोडक्शन के बाद अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो सब सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो और लास्ट में हम क्या कर देते हैं समझो हमको कुछ मेरिट्स पूछा तो मेरिट्स पूछने के बाद हम इंट्रोडक्शन तो लिखते हैं मेरिट्स लिखते हैं और आंसर को वैसे ही छोड़ देते हैं तो इनकम्प्लीट हो जाता है आप कंक्लूड करें आंसर को कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज आपका पेपर बाकी के लोगों से कुछ डिफरेंट दिखेगा और कंक्लूजन अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो एग्जामिनर का ध्यान उसके ऊपर जाता है ताकि ये बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलने के लिए एक हेल्प हो सकता है तो इसीलिए हमेशा अपना आंसर को कंक्लूड करें एंड करें और पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें एक्सप्लेनेशन थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें तो अब अभी हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल वाइज तो मॉड्यूल नंबर वन मॉड्यूल नंबर वन में आपके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एक है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक है टर्म्स ऑफ ट्रेड एक है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड तो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखें तो रिकार्डोस थियरी जो है कंपेरेटिव कॉस्ट का और हेक्सिर हॉलिन थियरी जो है ये दोनों थियरी आप करके रखें कोई भी एक थियरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे नेट बार्टर ग्रॉस बार्टर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर गेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड तो गेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है ऑफर कर्ज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है तो अगर हम देखें तो तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन तो हंड्रेड फिक्स आएगा लेकिन ये तीन को मिला के चार क्वेश्चन आएंगे ए बी ए बी तो अगर ए बी ए बी के बेसिस पे पूछा गया तो आपको उसी के बेसिस पे दो दो आंसर करने पड़ेंगे 15 मार्क्स क्वेश्चन है तो ए बी ए बी के बेसिस पे यूजुअली पूछे जाएंगे तो अगर उस बेस पे पूछे गए तो आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए सो so दैट आप ये मॉड्यूल नंबर वन की बेसिक चीज़ों को आंसर कर सके फिर मॉड्यूल नंबर टू मॉड्यूल नंबर टू जो है वो अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज कमर्शियल पॉलिसी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो अगेन ये मॉड्यूल काफ़ी इजी है इसमें अगर हम देखें तो कमर्शियल पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है उसके प्रॉस क्या होंगे फिर जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप पढ़ के रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और uh, जैसे एशियन हो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यूरोपियन यूनियन हो ब्रेक्सिट हो ये सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी एक बार पढ़ के रखें यहाँ पे नहीं आया तो शॉर्ट नोट में तो हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन तो दैट इज मॉड्यूल नंबर टू के ऊपर थ्री बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए देन इस मॉड्यूल नंबर थ्री मॉड्यूल नंबर थ्री में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इजी मॉड्यूल हो जाता है लेकिन इस मॉड्यूल में थोड़े से आपको कंसेप्चुअल फैक्टर्स ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे दैट इज नंबर वन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको इसमें डिटेल्स पढ़ना है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट वो सारे डिटेल्स फिर बीओपी ओ पी का डिसिक्विब्रियम फिर कॉसेस क्या होंगे बीओपी ओ पी के डिसिक्लीब्रियम कह रहे आर द कॉसेस व्हाट आर द मेस टू करेक्ट दैट तो डिसिक्विब्रियम में क्या चेंज करेक्ट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मेसर्स लिए जाएंगे वो भी आप पढ़ सकते हैं इसमें फिर नंबर थर्ड जो आता है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द ट्रिप्स ट्रिम्स एंड गैट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेसर्स एंड जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरि एंड टेयर तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ट्रिप्स और ट्रिम्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ के रखें डब्ल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं ट्रिप्स में या आप रेमेडियल मेशर्स क्या ले सकते हैं बीओपी के डिसिक्लियम को आ, के बेसिस पे या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या गैट्स एग्रीमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन दी एग्रीमेंट तो ओवरऑल अगर मॉड्यूल नंबर थ्री देखें तो यही कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको अभी बताया कि एग्जामिनर इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछने के लिए ट्राई कर सकता है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बेसिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा फिर बीओपी अगर देखा तो बीओपी के रिलेटेड डिसिक्बरियम के पॉइंट्स में दो क्वेश्चन uh, uh, आ सकते हैं एक है कॉसेस ऑफ डिसक्म एक है मेशर्स टू मेशर्स फॉर दैट डिसिक्बरियम टू करेक्ट द डिसक्म मेशर्स आ सकते हैं तो दैट इज दी मॉड्यूल नंबर थ्री की बात करें हम तो मॉड्यूल नंबर फोर जो है मॉड्यूल नंबर फोर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में है उसके फंक्शंस के बारे में है फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है फिर परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी पी थियोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका रिलेटिव वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो अकॉर्डिंगली तो पीपीपी पी थियोरी पढ़ के ही रखें फिर आर्बिट्रेज स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है वो आपको पढ़ना है इस मॉड्यूल में से देन रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया वो भी आपको पढ़ना है इस मॉड्यूल में से जैसे फंक्शंस uh, पूछा जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फिर रोल ऑफ इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट फिर रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी पी थियोरी पूछा जा सकता है परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी फिर ए, फिर शिफ्ट पूछा जा सकता है इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं देखो थियोरी में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मॉड्यूल है उसके जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर एग्जामिनर ट्राई करेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए तो इसीलिए आप इम्पॉर्टेंट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें इम्पॉर्टेंट अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ना करें सारे के सारी चीज़ें पढ़े बिकॉज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पुट अप हुआ और वो अगर आपने ऑप्शन में रखा होगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इसीलिए ये बेसिक चीजें हैं ये बेसिक चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपको क्वेश्चन कौन से आएंगे कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों में से क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यर क्वेश्चन कंसर्न तो दिस वॉज ओवरऑल डिस्कशन अबाउट दी फोर मॉड्यूल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग मैंने मेरे बेसिस पे सारे पॉइंट्स को ट्राई किया है अगर आपने इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे लिखना है वो अगर वीडियो नहीं देखा तो मैंने वो भी वीडियो डाला है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जस्ट चेक दैट एंड uh, बाकी के जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाए थे उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो so दैट आप उतने भी पढ़ सकते हो सिर्फ उसी पर रिलाई ना करें सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़े सारे बेसिक्स को पढ़े और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड अगेन आई रिपीट आंसर को कंक्लूड करें कंक्लूजन लिखे प्रॉपरली सो दैट आपका पेपर थोड़ा बाकी के लोगों से अलग हो जाएगा सो so दैट आपको अच्छे पॉइंट्स की वजह से मार्क्स मिलने के लिए और आसानी होगी और एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स थोरी से रिलेटेड दे सकता है सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स फॉर सेमिस्टर सिक्स ट्राई टू यूज दिट एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट करना की आपको कैसे लगा थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू